19 फरवरी को शिवाजी जयंती के मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन इस बीच लेफ्ट के कुछ कार्यकर्ता वहां आ धमके और शिवाजी महाराज की तस्वीर समेत उन पर चढ़ाई गई माला को कूड़ेदान में डाल दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मारपीट भी की, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जाने एबीवीपी के मीडिया संयोजक आदर्श झा ने घटना को लेकर क्या जानकारी दी। कि हम लोगों ने पोस्टर लॉन्च किया था एक दिन पहले कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो को स्टूडेंट कम्युनिटी सेंटर में लगाएंगे, लेकिन इन वामपंथी दलों को हमेशा से देशभक्तों से प्रॉब्लम रही है। ये लोग हमेशा अफजल गुरु के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर मार्च निकालते हैं, लेकिन जब बात महाराणा प्रताप की हो या छत्रपति शिवाजी महाराज की हो तो इन्हें दिक्कत थी। पिछले साल सेम पैटर्न अपनाई गई थी, हम लोगों ने नोटिस दिया था कि हम लोग महाराणा प्रताप की फोटो स्टूडेंट कम्युनिटी सेंटर में लगाएंगे। इन लोगों ने एक रिटर्न पर्चा निकाला था कि महाराणा प्रताप का फोटो यहाँ नहीं लगेगा। सेम वही पैटर्न इस बार फॉलो किया गया। इन लोगों ने रिटर्न पर्चा तो नहीं निकाला, लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे फोटो लगाया और फोटो को माल्यार्पण किया तो माल्यार्पण, पुष्प और फोटो तीनों डस्टबिन में इन लोगों ने फेंक दिया। जो लेफ्ट विचारधारा की जो मेन कल्प्रिट है, जो लड़की ब्लू जैकेट में दिख रही है, वो जेएनयू की छात्री नहीं है। इन लोगों ने बाहर से गुंडों को बुलाया था, छात्र तो हम उन्हें कह ही नहीं सकते, क्योंकि किस देश के किसी भी छात्र को महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज से दिक्कत नहीं होगी। इन लोगों ने बाहर से गुंडे बुलाए थे, उन गुंडों ने हम पर हमला किया। पहले तो जो पुष्प थी, जो माल्यार्पण हुआ था और फोटो था, उनको डस्टबिन में फेंका। उसके बाद जो हमारे कुछ समर्थित छात्र थे, उन लोगों को इन लोगों ने पीटा। और ये सर हमारे लगभग 5 से 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। NSUI के इंचार्ज विनय यादव ने बातचीत में कहा कि उनकी तरफ से कभी हिंसा नहीं होती। उनका कहना है कि जिसने भी तस्वीर को हटाया है उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और प्रशासन की तरफ से विश्वविद्यालय में बैन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इंचार्ज की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि एबीवीपी का नाम हमेशा हिंसा में शामिल रहता है। NSUI वायलेंस में हम लोग विश्वास नहीं रखते, इस कैंपस को पीस हमेशा देखते चले आए हैं। हम लोग पीस के ही लिए हमेशा काम कर रहे हैं कैंपस में, दिखावे के लिए वायलेंस के लिए कभी नहीं। हम लोग आप कभी भी आप देखोगे NSUI के तरफ से वायलेंस किया हो गया कैंपस में, कभी कुछ नहीं। रही बात कल जो यूनियन के अंदर जो टैफलास है, वो यूनियन छात्र संघ का, वहाँ पर सभी संगठन प्रोग्राम करते हैं, नो डाउट। वहाँ भी कुछ संगठन वहाँ मूवी स्क्रीनिंग दिखाने के लिए टाइम दिए थे, मीटिंग करने के लिए टाइम दिए गए थे, बट वहाँ पर ये बनाया गया कि किसी की फ़ोटो हटाई गई, फेंकी गई। ये मुझे नहीं लगता कि ये संगठन कोई प्री प्लान करके आया है, जो इसको सिर्फ एक डाइवर्टेड एक इशू बनाने के लिए, क्योंकि वो लोग लाइमलाइट में जितना भी पुरानी घटनाएं हुई हैं जेएनयू के अंदर, एक संगठन हमेशा वायलेंस में इन्वॉल्व रहा है। और वो अभी हो सकता है इलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि अभी PhD वेरिफिकेशन का डेट भी आ गया, तो उसके एक महीने बाद इलेक्शन भी हो सकता है जेएनयू के अंदर। उसको बच्चों के बीच में और ये वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए मीडियम एक कंट्रोवर्सी के लिए ये संगठन हमेशा इस तरह घटनाएं करता रहता है। देखिए जो तस्वीर तोड़ा है वो तो गलत है, नो डाउट है, लेकिन वो तस्वीर क्योंकि यूनियन का एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी तस्वीर लगती है उसकी बाकायदा काउंसिल की मीटिंग होती है, पास होता है, तब यहाँ लगता चलाया शुरू से, आप देखोगे अंदर जाकर। बट अभी जो इस तरह घटनाएं हुआ है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, इस तरह का कांड हुआ है, और जेएनयू प्रशासन को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये आपका काम नहीं है कि आप पत्थर मारो, किसी के सर फोड़ो, ये काम किसी संगठन का नहीं है। आप संगठन आप जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते, FIR दर्ज करवाते, प्रशासन आता है, पुलिस आता है, जो भी छात्र किया है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उसको जेल भी भेजना चाहिए, और दूसरी बात को उसको ये प्रशासन के तरफ से बैन करना चाहिए यूनिवर्सिटी।